कृषि पहल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शाही लीची के बारे में। शाही लीची जिसे 2018 में बिहार से ये चौथा प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसे GI टैग मिला है। तो मुजफ्फरपुर का यह बहुत फेमस लीची है, लेकिन 2018 से इसे हम GI टैग के हिसाब से जानते हैं। तो इसके कुछ फ्लेवर्स हैं, कलर है, एरोमा है, उसके हिसाब से इसको GI टैग दिया गया था। और अभी हम देख रहे हैं ये जो हमारे बगीचे में लीची है, ये शाही लीची का है। अभी ये पूरे कलर में नहीं आया है, अभी लगभग 4 से 5 दिन अभी समय है इसमें, क्योंकि इस बार जो है 10 से 12 दिन शाही लीची डिले चल रहा है। मंजर भी थोड़ा देर से आया था और इसका बारिश न होने के कारण इसका साइज और कलर में थोड़ा डिले चल रहा है। तो अभी 4-5 दिनों के बाद जो है ये शाही लीची अपने खाने लायक हो जाएगा। अभी अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो अभी अगर मैं खा के देख रहा हूँ तो जो फ्लेवर मुझे चाहिए था वो अभी नहीं मिल पा रहा। ये थोड़ा सा अभी खट्टा है और इसमें गूदा भी जो है अभी उतना नहीं हुआ है जो साइज होना चाहिए। मुझे लग रहा है 4 से 5 दिन के बाद ये लीची जो है पूरा अपने फ्लेवर में आ जाएगा। और अगर इसकी हम बात करें तो जिस तरह आम के बहुत सारे वैरायटी होते हैं, उसी तरह लीची के भी कई सारे वैरायटी हैं। जैसे शाही लीची है, फिर चाइना है, गंडकी है। विशेष करके बिहार में दो तरह के लीची पाए जाते हैं, एक शाही और दूसरा चाइना। चाइना जो है शाही के बाद आता है। मैं आपको चाइना वाले बागान में भी ले चलूँगा जो अभी हरा ही है, अभी वो लाली नहीं आया है उसमें। मतलब शाही ख़त्म होने के बाद 2 से 4 दिन के बाद मार्केट में वो भी आने लगता है। और शाही लीची जनरली 15 मई से मार्केट में आ जाना चाहिए था। जैसा कि मैं पहले बताया कि इस बार डिले चल रहा है थोड़ा सा, तो अभी वो नहीं आया है। देखिए शाही लीची का जो है एक गौचा में लगभग 40 से 50 रहते हैं ये। और इसका अगर मैं वज़न की बात करूं तो एक लीची जनरली 25 से 30 ग्राम के आसपास रहते हैं, अगर वो सही साइज़ में अगर आ गए हैं तो। इस बार मौसम, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का जो मार है वो लीची पे भी पड़ा है। तो साइज अन्य साल के तरह उतना बड़ा साइज नहीं हुआ है, तो हो सकता है 2 से 3 ग्राम प्रति लीची का साइज जो है इस बार थोड़ा कम रहे। और अगर पेड़ की हम बात करें तो चाइना लीची से इसका पत्ता भी थोड़ा सा डिफरेंट रहता है और शेप भी जो है ये थोड़ा ओवल शेप में रहता है। अगर आप इनको दिखाइए थोड़ा सा नज़दीक लाके कि ये कैसे राउंड फिगर में, मतलब ओवल शेप में है। और चाइना जो है वो नोकीला टाइप का रहेगा। आइए हम बगीचा में अभी और आपको दिखा रहे हैं शाही लीची का पूरा क्लियर। ये बगीचा का देखिए, शाही लीची का ये साइज जो है ये परफेक्ट साइज सब है। फिर ये इस तरफ का साइज जो है हमारा परफेक्ट है। ये सब कलर जो आ रहा है धीरे धीरे, जब ये पूरा लाल हो जाएगा तब ये पूरा शाही लीची का अपना कलर में आ जाएगा। एक चीज़ और है कि शाही लीची का जो टेस्ट है वो निर्भर ये भी करता है कि हमारे बगीचे का मिट्टी कैसा है और आसपास का जलवायु कैसा है। जनरली इसको ये माना जाता है कि गंडक के किनारे, गंडक नदी के दुआब और किनारे में जो पेड़ होंगे उनका शाही लीची का जो टेस्ट है और कलर है और एरोमा है वो एक अद्भुत होगा, जिसे के कारण शाही लीची को GI टैग मुजफ्फरपुर में मिला है। तो मेरा जो ये बगीचा है ये जस्ट गंडक नदी के लगभग 500 मीटर पास में है और बहुत दिन पहले यहाँ से गंडक नदी बहा करती थी, जिसे आजकल हम मन कह रहे हैं। वो आप दिखा सकते हैं उस साइड, इन दिखाइए, ये इस साइड जो मेरे दाहिने हाथ की तरफ जो देख रहे हैं यहाँ से गंडक नदी का दुआब बह रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस वजह से मेरे बगीचे का जो लीची है वो आपको फुल फ्लेज में एक टेस्ट जो है शाही का और शाही अंदाज का वो आपको दिखाई देगा हमारे लीची के बगीचे में। आप देखिए अलग अलग पेड़ में अलग अलग थोड़ा बहुत का अंतर है और इधर जो है थोड़ा 2-4-5 दिन के बाद ये होगा, कलर में आएगा। हाँ, इस बार थोड़ा पछुआ हवा बहा है शुरू में ही,
तो कुछ मंजर झड़ गए थे, तो किसी किसी पेड़ में थोड़ा लीची नुकसान हुआ है, फिर भी बहुत बेटर है। इसी तरह दो चार पाँच दिन के बाद मैं फिर से आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि लीची का जो पूरा कलर आ जाएगा इसमें तो वो कैसा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लीची से प्यार करने वाले, लीची का टेस्ट लेने वाले लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।